एक्टिविटी कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज हम ही करते हैं, हर एक चीज़ को पॉल्यूट ह्यूमन ही है। डंपिंग केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, घरों का हो चाहे फैक्ट्रीज का वेस्ट हो, वो जो हम पानी में डाल देते हैं, रिवर में डाल देते हैं, पौंड में डाल देते हैं, बाथिंग का, क्लोथिंग का, ये सब लीकेज। ऑयल टैंक्स चलते हैं, शिप्स चलते हैं ऑयल के, अब जब वो लीक करते हैं तो पानी जो है वो ऑयल जो है वो पानी में चला जाता है, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं? स्टॉर्म विच ऑफन कॉज सॉइल एंड अदर पार्टिकल टू डिजॉल्व इन वाटर, यानी जब बहुत तूफान आते हैं तब मिट्टी और दूसरे पार्टिकल्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैंड और सॉइल पोल्यूशन। लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। लैंड और सॉइल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड बाय आवर केयरलेस एक्शन, हम ऐसे ही अंधाधुंध जो काम किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, उससे लैंड और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। लैंड और सॉइल गेट पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज इनटू इट एंड दे गेट एक्यूमुलेटेड। लैंड और सॉइल पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंस हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं मिट्टी में, और वो उसी में इकट्ठे होते जाते हैं। पोल्यूशन मेक सॉइल इनफर्टाइल, पोल्यूशन से मिट्टी जो है इनफर्टाइल हो जाती है, मीन्स कि उससे फिर प्लांट्स, उस मिट्टी में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। इट ऑल्सो हार्म्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल, और ये जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में रहते हैं उनके लिए भी ये पॉल्यूशन हानिकारक है। देखिए पॉल्यूशन चाहे जो भी हो, लैंड एयर वाटर, जब लैंड में एयर में या वाटर में हम हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, यानी पहले तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करने के लिए जब वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। अब कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लैंड और सॉइल पोल्यूशन करती हैं? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही, हम जो अपने घरों का कूड़ा ओपन में डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं खेतों में, और फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जब पानी में डाल दोगे तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, और उसे सॉइल में डाल दोगे तो वो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? अब नॉइज़ में क्या, शोर, तो उसमें हम कुछ ऐड तो कर नहीं सकते। हमारे कान जो हैं एक इंटेंसिटी तक ही, एक ही लाउडनेस सुन सकते हैं, जब वो लाउडनेस उससे बढ़ जाती है ना तो हम उसे कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। एवरी डे वी हियर वेरियस साउंड्स अराउंड अस, हम अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं। सम ऑफ देम आर प्लेजेंट वाइल अदर आर लाउड एंड श्रिल, कुछ तो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन कुछ लाउड और तीखी, कान को चुभने वाली, सो दे आर अनप्लेजेंट टू हियर, इसलिए हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। वी कॉल देम नॉइज, और हम उसे कहते हैं नॉइज। एक्सेसिव एंड अनप्लेजेंट साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। अब यहीं बहुत ज़्यादा और अनप्लेजेंट जो हमें अच्छी साउंड नहीं लगती हमारे एनवायरनमेंट में, इसी को हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। टू मच नॉइज इज हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नॉइज जो है वो हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हार्मफुल है। क्या होता है अब, क्या मतलब नुकसान क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? लॉस ऑफ एबिलिटी टू हियर और डेफनेस, सुनने की शक्ति चली जाती है, डेफनेस यानी बहरापन आ जाता है, स्ट्रेस टेंशन रहती है, इरिटेशन रहती है, और स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद अच्छे से नहीं आती। अब देखिए हम जो सॉफ्टवेयर साउंड है ना वो 20 डेसिबल्स तक है। डेसिमल आप समझ लीजिए साउंड को नापने की एक यूनिट है, इंटेंसिटी नापी जाती है साउंड की, और 90 डेसिबल से कोई भी साउंड जो होगी वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं? ह्यूमन एक्टिविटी जैसे लाउड म्यूज़िक सुनना, टेलीविज़न को हाई वॉल्यूम पे सुनना, लाउड स्पीकर का यूज़ करना, व्हीकल्स में बार बार हॉन्किंग मीन्स हॉर्न मारना, होम अप्लाइंसेस जैसे वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, एयर, ये भी आवाज़ करते हैं ना, मिक्सर ग्राइंडर्स, तो ये सब अगर आप लगातार बार बार सुनेंगे तो दिस इज़ अ केस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। रिमेंबर वी नीड अ हेल्दी इन्वायरमेंट टू लिव, ध्यान रखिए हमें हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, वी नीड हेल्दी, हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, सो वी मस्ट नॉट हार्म इट, तो इसलिए हमें को अपने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी मस्ट डू इज वट एवर वी मस्ट डू वट एवर वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, हमें वो सब करना चाहिए जो जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इज क्रूशियल फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन दिस वंडरफुल प्लैनेट अर्थ, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे इस वंडरफुल प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, लाइफ आगे कंटिन्यू कर सके।